हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेज निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉगिंग में है आज कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ मतलब मधुमेह, शुगर और वेट लॉस। आजकल सभी चाहते हैं कि सब एकदम फिट और फाइन रहें, और डायबिटीज एक आम बीमारी हो गई है, तो उसके लिए पहले खान पान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनको नाश्ता करा दो कुछ ही घंटे बाद फिर उनको रोटी देना होता है, क्योंकि उस बंदे को मतलब भूख की मात्रा मतलब ज़्यादा रहती है। ये मतलब आम इंसान से उस पेशेंट को खाने की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर कभी कभी हाई और कभी कभी लो हो जाता है, क्योंकि लो भी नुकसानदायक है और हाई भी ही नुकसानदायक है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण खाने के लिए मैं आपको आज 8 तरीके की रोटी जो वेट लॉस और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें और देखें वो किस किस चीज़ की 8 रोटियाँ हैं। तो ये जो 8 रोटियां हैं ये आपको ब्लड शुगर और वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। तो समय पहले जो रोटी आती है वो आती है मक्के की। तो मक्के की रोटी आपको 99% शुगर और वेट कम करती है, और उसके लिए आपको मक्के की रोटी में आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, और आप खाली बेसन की भी बना सकते हो, क्योंकि ये जो मोटे अनाज होते हैं ये आपको वेट लॉस में सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं, और डायबिटीज पेशेंट के लिए, बीपी वालों के लिए भी। मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगी। और फिर आती है दूसरी हमारी गेहूं की रोटी। गेहूं की ये नहीं है कि मतलब गेहूं की रोटी खाली खाली तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी, नहीं, उसके लिए भी आप काफ़ी तरह के अनाज उसमें मिला सकते हो। और आपको सिंपल रोटी खानी है तो उसका इतना पतला बनाएं, जहाँ 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी इतनी पतली बनाएं जिसके कि आप उसके टुकड़े करके चबा चबा कर खाओगे, तो आपकी 2 रोटी की पूर्ति आराम से हो जाएगी। ये 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, और आप कहेंगे। तो तीसरी जो रोटी आती है वो आती है रागी। रागी का एक आटा होता है, वो मतलब चावल जैसा दिखता है, और वो आटा डायबिटीज वालों के लिए एक शानदार विकल्प है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है, और फाइबर के साथ साथ अधिक खाने से रोकने से लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है, और साथ ही साथ स्वस्थ वजन कम करने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लगती तो थोड़ी अजीब सी है रोटी रागी की, पर पहले पुराने ज़माने में रागी बहुत मतलब लोग खाते थे तो एकदम स्वस्थ मस्त रहते थे। कहते थे ना पहले जो बुज़ुर्ग थे लॉन्ग टाइम तक चलते थे, तो वो उनका जो खाने का जो अनाज था वो इसी तरीके का अनाज था, बेजर होता था एक, और ऐसे ही राजगिरा होता है। राजगिरा जो एमोरेथ फ्लोर होता है, जो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज गुणों के साथ साथ इसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन और रक्त के जो शक्करा हैं स्तर नियंत्रण करने के लिए वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और साथ में आती है चना। चना
कि जो आटा होता है मतलब बेसन, और बेसन की रोटी आप स्वस्थ आदमी भी, डायबिटीज वाले भी, और 100% वेट कम करना है, जैसे मेरा थोड़ा सा कम हो गया है। और तो सबसे ज़्यादा ये बेसन की जो रोटी होती है बहुत ही घुलनशील होती है, फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, और जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ब्लड में जो शुगर अवशेषण जो होते हैं उनको धीमा करती है, इसके साथ साथ वेट लॉस कम करती है। और तीसरी आती है कूटू के आटे की, जो व्रत में खाते हैं ना, व्रत नवरात्रों में मिलता है, वैसे तो अब हर टाइम मिलता है कूटू का आटा। कूटू के आटे में भी उच्च उच्च श्रेणी का फाइबर होता है, और फाइबर फाइबर से आप आपका शुगर लेवल स्थिर रहेगा, और साथ के साथ आपका, फिर मैं बता रही हूँ, वेट लॉस। और इसमें व्रत में तो खाते ही हैं, आप नॉर्मल खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर आती है बाजरे की रोटी, ये बाजरे की मैंने कहा ना, जो मोटा अनाज है, गेहूँ जौ बाजरा चावल, ये सारी मिक्स करके खाएंगे आप खाना, और रोटी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। फिर कहेंगे आप बादाम की रोटी, हाँ जी बादाम की रोटी, बादाम कहेंगे कि हम कैसे खाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है आप प्योर बादाम की खाएं। आप इसमें मतलब जैसे कि 8-10 बादाम डालकर गेहूं के आटे में उसकी भी रोटी आप खा सकते हो, तो उसमें भी आपको शुगर का जो कोलेस्ट्रॉल तक कंट्रोल करती है ये जो बादाम की जो रोटी होती है। और वेट लॉस तो आपको पता ही है कि बादाम के आटा हो या कोई गरम चीज़ हो, अजवाइन जीरा, ये सब वेट लॉस में ही काम आते हैं। फिर आता है नारियल, जो गोला होता है नारियल, इसका भी आप आटा बना सकते हो, जो कार्बोहाइड्रेट कम कम है, इसका मतलब इंसुलिन आपका लग नहीं सकता, इससे आप नारियल का आटा खाओगे तो। और ये मैंने आपको 8 तरीके की आटे की रोटी के बारे में बता दिया है फ्रेंड, और आप इसको फॉलो कीजिए। 99 नहीं, 100%, 100% 1, 101% आपका वेट लॉस और शुगर लेवल ठीक रहेगा। क्योंकि मैं 99 नहीं 101% इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी को डायबिटीज है, और मम्मी को डायबिटीज है कम से कम बता रही हूँ 24 साल हो गए हैं मम्मी को डायबिटीज को, और फिर मेरे भाई को भी डायबिटीज है, तो मुझे मतलब खाने बनाने के मामले में डायबिटीज वाला हो चाहे वेट लॉस का तो ट्रेंड अब आया है, पर मुझे डायबिटीज का खाने का और डायबिटीज के पेशेंट को क्या क्या देना है वो मुझे 101% मुझे पता है कि कैसे उसको मैनेज करना पड़ता है। और वेट लॉस साथ की साथ आपका होगा, और डायबिटीज वाले पेशेंट थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनको, क्योंकि मीठा जो होता है वो थोड़ी एनर्जी लाता है, और वही आप डायबिटीज वालों का बंद हो जाता है। पर कोई नहीं, आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आप मीठा भी खाओगे और एकदम स्वस्थ और मस्त भी रहोगे। तो फ्रेंड मेरे ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।